आज तो किस्मत ने तुम दोनों को बचा लिया, पर किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक दाव खाली जाता है तो दूसरा दाव चलना पड़ता है। मैं भी जल्द ही दूसरा दाव चलूंगी। आमिर कोर्ट की हमेशा परंपरा रही है कि शायद नए साल का जश्न बहुत खास रहता है, पर इस साल बहुत बहुत खास है, क्योंकि इस साल हमने खुद एक ऐसी अदाकारा और गायिका को बुलाया है जो दिलवालों के साथ साथ दिल जलों का भी खास ख्याल रखती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत इस महल में आने की, इस गुस्ताखी के लिए हम एक पल में तुम्हारी गर्दन कटवा सकते हैं। बात की बात प्रेमवदा, एक पल में तो बहुत कुछ हो सकता है। आंख भले हमारी एक है पर नजरें सब पे रखता हूँ। अब देखो ना, अवधेश ने आज मुझे एक ही पल में ढूंढ निकाला। क्या अवधेश तुम तक पहुंच गया? हाँ, और मुझसे राज जानने की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। रानी जी, राजमाता कहीं नजर नहीं आ रही हैं? मैं भी देखकर आई। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, पर मैं ऐसे जिद्दी लोगों को पहचानता हूं। वो इस राज की जिद पूरी करे बिगर मानेगा नहीं। अवधेश अभी है कहां? मैंने तो सोचा वो महल में पहुंच चुका होगा। लोग जो सोचते हैं वो अवधेश नहीं करता, और जो वो करता है वो हम सोच भी नहीं सकते। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। एक बात याद रखना, वो राज खुल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा और तुम भी नहीं बचोगे। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर मेरा सब्र एक ना एक दिन जवाब दे देगा। माफ कीजिएगा, पर आप कहीं सरताज गायत्री को सच ना बता दे। ये हमसे मिलने आया रानी गायत्री, ये बड़े राणा जी के वफादार मित्र हैं। इन्होंने बड़े राणा जी के साथ आमिर कोट के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। ये आमिर कोट की रानी गायत्री है। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त अपना सामान बांधना चाहिए, क्योंकि अवधेश के लौटते ही तुम दोनों ये महल छोड़कर जाने वाले हो। भाई के लौटते ही? भाई तो अंदर आराम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो महल में नहीं है। इस महल को आखिरी बार देख लो, क्योंकि उसके लौटते ही तुम दोनों भाई बहन इस महल से दूर दूर चले जाओगे। हमें किसी दो कौड़ी के नौकर के नसीहत की जरूरत नहीं है। हुकुम, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन धीरे बोलिए, उनकी तबीयत खराब है,
तो हम है ना उनका ध्यान रखने के लिए उनके पति। अरे छोड़ो, अरे आप उनके ख्याल रखने के काबिल भी होते ना तो मुझे यहां पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मणराज छोड़ दीजिए लखन को। एक बात को बार बार दोहराना हमें अच्छा नहीं लगता है और महल में ये रोज रोज का नाटक हमें परेशान कर रहा है, तंग हो गया हमें इससे। डॉक्टर साहब इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, इनका बचना मुश्किल है। अरे और तेज चलाओ भाई। डॉक्टर साहब जान तो बचने वाली है नहीं तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं? अरे मरीज की अंतिम इच्छा है वो अपनी आखिरी सांसें राजमहल मिले और मैं मरीज की अंतिम इच्छा अधूरी नहीं रहने देना चाहता। और तेज चलाओ।